हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप टेस्ट नंबर 8 देख रहे हो जो कि आपके बीएसएससी के लिए है। और आज का यह क्लास प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 1 से लिया गया है। अभी वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 भी आना बाकी है। जो भी बुक आएगा आपके लिए सारा बुक का क्लास अवेलेबल करवा दिया जाएगा और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर टेलीग्राम ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आए तो यहां पे आपको नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पे आप मैसेज करिएगा 9576843550 नंबर पर आप मैसेज करेंगे, आपको क्लास का टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा या नहीं तो फिर पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा। जिस भी तरह से हो आपको लेकिन पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इससे पहले आपको टेस्ट नंबर 127 भी बता दिया गया है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में आकर देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स देखिए, एक बात समझिएगा, आज की इस क्लास में और नेक्स्ट जो टेस्ट नंबर 9 आएगा यानी कल, हो सकता है इन दोनों में आपको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड से साउंड सुनाई देगा। इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, मेरे फैमिली में फंक्शन होने की वजह से थोड़ा बहुत हो सकता है कि साउंड का डिस्टर्बेंस आएगा, तो आप इसे मैनेज कर लीजिएगा। और आज का यह क्लास देखिए, इससे पहले भी जो प्रैक्टिस सीट अपलोड किया गया आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। बीएसएससी के लिए ये ध्यान रखिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आपके लिए हो सकता है एबीसी एकेडमी पर मिलेगा। 8 से लेकर 10 तारीख के बाद से ना, आपको बस 2 या 4 दिनों की और बात है, 5 दिनों की बात है, इसके बाद आपको एबीसी एकेडमी पर 2 से 3 प्रैक्टिस सेट पर डे मिलेगा। हर एक पब्लिकेशन का जो भी बुक होगा सारा बुक का वीडियो आपके लिए अवेलेबल करवाया जाएगा। तो बस थोड़ा सा और आप मैनेज करते चलिएगा, ठीक है, बस थोड़ा सा और आपको देखना है, उसके बाद आपको क्लास जो मिलेगा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सफिशियंट रहेगा। आज के इस क्लास में भी आपको डिस्कशन बताया जाएगा, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, कोशिश करिएगा एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने का। कहने का मतलब है स्किप करने के बारे में नहीं बताया जा रहा है, आप हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। जिसका जवाब नहीं पता हो कोशिश करिएगा अभी ही उसे स्क्रीनशॉट लेकर रखने का और आज के आज इसे उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिएगा, नहीं तो एग्जामिनेशन के टाइम में आपका मालूम चलेगा स्क्रीनशॉट या नहीं तो फिर पीडीएफ। फ़ोन में आपका बहुत सारा हो जाएगा बट आप कवर सही से किसी को कर नहीं पाएंगे, इसीलिए थोड़ा थोड़ा सा अभी ही करते चलिएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बैंकिंग के क्षेत्र में CBS संकेत के बारे में बताना है कि सी का क्या मतलब है। यहाँ पे कहने का मतलब, पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन में आपसे सी पूछा है, हो सकता है नेक्स्ट में आपसे बी का मतलब पूछ ले। तो देखिए, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन होता है, ध्यान रखिएगा, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन होता है इसका मतलब, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि भारत का प्रथम व्यावसायिक बैंक जो अवध कॉमर्शियल बैंक था वो 1881 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। नंबर सेकंड देखिए, भारत में जीएसटी की संस्तुति किस समिति के द्वारा की गई है। नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर देखिए ए हो जाएगा, केलकर समिति के द्वारा। ये कुछ बातें समझिए, भारत सरकार का अगर पूछता है कि मुख्य जो आय का इनकम का स्रोत है वो क्या है, तो ये आय मतलब टैक्स ही होता है, कर होता है, ठीक है। आय का जो कर है ये केंद्र के द्वारा लगाया जाता है, ना कि राज्य के द्वारा, ठीक है, पता रखिए, ध्यान रखिएगा, केंद्र के द्वारा। अगर पूछे कि जो GST है ये किस संविधान संशोधन से, कौन सा एक्ट से रिलेटेड है, तो 101वां जो एक्ट है वो GST से ही रिलेटेड है और 1 जुलाई 2017 को GST जो है ये लागू कर दिया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को भी। नंबर सेकेंड हो गया, थर्ड देखते हैं, क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है, राइट आंसर बताइए यहाँ पे क्या होगा आपका। देखिए नंबर बी हो जाएगा, गर्मी में, देखिए क्षोभ मंडल की मोटाई गर्मी में बढ़ जाती है। वायुमंडल को टोटल 4 परत में बांटा गया है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और बही मंडल, ध्यान रखेंगे। और क्षोभ मंडल जो है ना ये पृथ्वी की ना सबसे निचली परत होता है और यहीं पे आप कहिए कि सारे तरह का जो मतलब मौसमी जो घटना वगैरह होना होता है ना, आंधी तूफान ओला, ये सारे यहीं पे आते हैं, ठीक है। नंबर 4, भारत के स्वतंत्र संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। नंबर देखिए, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है, यह जो तीनों है आपका ना ये अमेरिका से ही लिया गया है, ध्यान रखेंगे। और देखिए अमेरिका के बारे में एक दो बात समझ लीजिए, अगर पूछता है कि विश्व का पहला लिखा हुआ संविधान कहाँ का है, तो अमेरिका का है, ध्यान रखेंगे। और सबसे छोटा भी अगर पूछ ले तो अमेरिका ही आपको ध्यान रखना है, सबसे छोटा और लिखित संविधान अगर कहीं का है तो वो USA का है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है किस काल को, ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखेंगे, गुप्त काल को ना
भारतीय संस्कृति का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। और देखिए जैसे अगर पूछेगा ना कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल, समझेंगे, हिंदी साहित्य का अगर स्वर्ण काल आपसे पूछता है ना, तो अकबर के समय का जो काल है वो हिंदी के साहित्य का जो स्वर्ण काल के अनुसार उसे रखा गया है। और अगर पूछता है कि चित्रकला के अकॉर्डिंग बताइए कि किसके टाइम पीरियड को आप कह सकते हैं कि मतलब स्वर्ण काल था, तो जहांगीर का जो टाइम पीरियड रहा था ना उस वक्त क्या था, चित्रकला को काफ़ी ज़्यादा मतलब आगे ले गया, लेके जाना ले गया था इसके द्वारा। इसी वजह से क्या हुआ था कि जहांगीर के द्वारा ले गया था, इसी वजह से क्या हुआ था कि चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। बताना है कि निम्न में से कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य किए थे। नंबर आपका डी हो जाएगा, VKRV राव के द्वारा। ध्यान रखिएगा, आपको पता होना चाहिए भारत के प्रथम अर्थशास्त्री जो आधुनिक भारत के थे वे दादा भाई नौरोजी को ये जाता है, मतलब श्रेय जाता है। नंबर 7, एकाधिकार का अर्थ बताना है कि क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए एकल विक्रेता, एकाधिकार का मतलब जैसे नहीं होता मोनोपोली जिसे आप कहते हैं, यानी कि आपका मार्केट में बस आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो, उसे आप कह सकते हैं क्या, एकल विक्रेता, यानी कि एकाधिकार आप कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इनमें से बताना है कौन है, तो नंबर देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 180 डिग्री देशांतर को आप कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। एक बात समझिए, अगर पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है, तो आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर, आप ध्यान रखेंगे यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यहीं से गुजरती है, ठीक है। और दो देशों के बीच, माफ़ कीजिएगा, दो देशांतर के बीच की अगर दूरी को तय करने में पूछेगा कितना समय, तो 4 मिनट का लगता है। बताइए कि कोणार्क मंदिर के देवता इनमें से कौन है, नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूर्य का। देखिए कोणार्क मंदिर में के जो देवता अगर पूछे तो सूर्य हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जैसे आपका यहाँ पे दिया हुआ है ना कि कृष्ण के बारे में, तो देखिए कृष्ण है, शिव है, ब्रह्मा, चलिए नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा इसके बारे में भी। नेक्स्ट है नंबर 10, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूछा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, अनुच्छेद 40 के तहत दिया जाता है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका ये संविधान में जो 11वां जो अनुसूची जोड़ा गया है ना, वो पंचायती राज से ही संबंधित है। और पूछे अगर कि 11वीं, तब ये बता दीजिए कि 11वीं अनुसूची में टोटल कितने सब्जेक्ट को रखा गया है, तो 29 सब्जेक्ट यानी 29 विषय को रखा गया है। बताइए कि आर्की पेलागो का आशय क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी, इसे आप द्वीप के नाम से जानते हैं, ठीक है। चारों ओर से जल से जो घिरा हुआ जगह होता है ना, उसे आप द्वीप कहते हैं। लक्षद्वीप जैसे है ना, वो भारत के अरब सागर में स्थित है, ये आप ध्यान रखेंगे। नंबर 11, 12 देख लीजिए, मिट्टी और पत्थर के टुकड़े का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना, बताइए क्या कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर ए मृदा अपरदन के नाम से आप जानते हैं। नंबर 13, किस भारतीय महिला उद्योगपति को रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फैलो से सम्मानित किया गया है। नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किरण मजूमदार शॉ को। नंबर 14 देखिए, कालिदास किस शासक के समकालीन थे, कालिदास, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ये जो है कालिदास थे, ठीक है, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है। अगर आपको कहीं पे भी फ्रेंड्स टाइम चाहिए होगा तो आराम से आप वीडियो को रोक लिया करिएगा। 15 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी राइट आंसर। देखिए सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह पूछे तो नेपच्यून है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 16, विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बताइए कौन सी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नई दिल्ली है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बृहदत्त था। देखिए मौर्य वंश का अंतिम शासक पूछे तो बृहदत्त था। और देखिए जैसे कि आपका एक दो बात यहाँ पे भी आपको समझना चाहिए, जैसे आपसे पूछेगा कि पतंजलि ने मतलब क्या लिखा था, तो अष्टाध्यायी की जो रचना है ये पतंजलि के ही द्वारा किया गया था, ठीक है। उसके बाद जैसे आपका है अगर आपसे पूछे कि इसके बारे में, इसमें से
पुष्यमित्र शुंग जो है ना, अगर पूछे कि ये किस कुल से आते हैं तो ये भी ध्यान रखिएगा कि वे ब्राह्मण कुल के थे, ठीक है। अगर पुष्यमित्र शुंग के बारे में पूछेगा तो ये वे ब्राह्मण कुल के थे, ये आप ध्यान रखिएगा। और ये पुष्यमित्र ने ही शुंग वंश की स्थापना भी किया था, ठीक है। नंबर 18 देखिए, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, मोरक्को से। ध्यान रखेंगे, यात्री जो इब्न बतूता है ये मोरक्को से आए थे। किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड का जो अर्थव्यवस्था है इसे आप मनी ऑर्डर के नाम से जानते हैं। भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ खोला जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, दिल्ली में खुलना है। बताइए अमीर खुसरो एक क्या थे इन सबों में से? ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या थे? कवि, संगीतज्ञ और इतिहासकार। कौन थे? अमीर खुसरो, ध्यान रखिएगा। नंबर 21 तो हो गया। नंबर 22 बताना है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय के द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, रिट जारी किया जाता है, ठीक है। नंबर 23 देखते हैं, कहाँ के वृक्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, पर्णपाती वन। देखिए पर्णपाती वन को ही ना आप क्या कहते हैं, पतझड़ भी कहते हैं, ये आप समझ लीजिए, इजी वे में आपको समझना है। पर्णपाती को आप पतझड़ भी मतलब कहते हैं। भारत में पर्णपाती वन ही सबसे ज़्यादा, यानी पतझड़ वन ही सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब देखिए पर्णपाती में आप समझ लीजिए कौन कौन सा आता है पेड़, तो आपको याद रखने में और बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा। जैसे आपका शीशम है ना, पीपल हो जाएगा, फिर आपका बरगद है, ये सारे किस में आते हैं? ये सारे पर्णपाती वन के उदाहरण हैं, ठीक है। नंबर 24 प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, हम्पी में है, ठीक है। और हम्पी जो है ये अगर पूछे किस नदी के तट पर है, तो हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर है। हम्पी विजयनगर राज्य की राजधानी थी। अब देखिए विजयनगर राज्य की स्थापना अगर आपसे पूछ ले तो 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था, ठीक है। और अगर आपसे पूछता है कि विजयनगर साम्राज्य का महान शासन शासक का नाम बता दीजिए, तो आराम से आपको बताना है क्या? कृष्णदेव राय, ठीक है। आइए नंबर 25 पे चलते हैं, हम्पी निम्नलिखित में से किसके उत्तरी तट पर स्थित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अभी बताया गया आपको, तुंगभद्रा के तट पर। बताइए गोलकुंडा ने के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, वारंगल के। देखिए गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय वारंगल के प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेष पर हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक बात समझिए, वारंगल में काकतीय वंश की स्थापना की गई थी, यह भी आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। यह आपसे पूछेगा कि वारंगल में किसकी स्थापना हुई थी, तो काकतीय वंश की। बताइए नंबर 27 की, फारस से आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देवराज द्वितीय था, ध्यान रखेंगे। देखिए इटली के यात्री नाम ध्यान रखेंगे, इटली के यात्री निकोलो कोंटी जो थे यही देवराय प्रथम के, ध्यान रखेंगे देवराय द्वितीय नहीं, वो देवराय प्रथम के काल में भारत आया था। ये एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इटली के यात्री नाम है निकोलो कोंटी, ये देवराय प्रथम के काल में कहाँ पर? तो भारत आया था। बताइए कि वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वेद का मतलब होता है ज्ञान। वेद टोटल चार है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। एक बात समझिए, एक पांचवा वेद भी कहा जाता है, ठीक है। हो सकता है आपसे पूछ ले कि पांचवा वेद कौन सा है, तो नाम आप ध्यान रखेंगे तिरुकुराल, ठीक है। ये पांचवा वेद में इसे कहा जाता है। बताइए नंबर 29, सांभर लवण झील कहाँ पर स्थित है? 29 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजस्थान में। देखिए सांभर लवण झील राजस्थान में है। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है। डल और जो वुलर झील है ना, ये जम्मू कश्मीर राज्य में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर पूछे कि बिहार में कौन सा झील है, तो अनुपम झील बिहार का फेमस है, ये आपके बिहार से आपको जानना चाहिए। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी कब? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्ष 1853 में चलाया गया था, 34 किलोमीटर के लिए चला था, जो कि
भारत में बॉम्बे और ठाणे के बीच में चला था डलहौजी के शासनकाल में। अगर पूछता है कि रेलवे बोर्ड की स्थापना बता दीजिए कब हुआ था, तो आराम से आपको 1905 ईस्वी बता देना है, ठीक है। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं होता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में जो मानसरोवर झील है ना, वहीं से निकलती है, ठीक है। उसी के मतलब आसपास 80 किलोमीटर के आसपास का एक जगह है हिमानी करके, वहीं से निकलती है, ठीक है। अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी को पूछेगा तिब्बत में क्या कहा जाता है, तो तिब्बत में सांगपो नाम से आप जानते हैं। कहाँ पर? तिब्बत में। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में जब आता है, अरुणाचल प्रदेश में आप दिहांग कहते हैं। एक ही नदी का आपको पता है हर जगह नाम बदल जाता है, दिहांग नाम से आप जानते हैं, ठीक है। अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी की अगर कुल लंबाई आपसे पूछ ली, बताइए इसका लंबाई कितना है, तो 2900 किलोमीटर आपको बताना है। ब्रह्मपुत्र नदी की टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर, जिसमें से कि अगर पूछता है बताइए आपके भारत में ये कितना किलोमीटर का सफ़र करती है, तो 916 किलोमीटर आपको बता देना है। स्वतंत्र भारत का महाराज्यपाल कौन थे? नंबर 32 ऑप्शन नंबर आपका भी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन रहे थे, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। भारत विभाजन के समय में, और जो कहिए कि मतलब स्वतंत्रता के टाइम में ना, लॉर्ड माउंटबेटन ही वायसराय रहे थे, इसे आप ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछता है ना बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बता दीजिए कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स नाम आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन ताशकंद समझौते से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी लाल बहादुर शास्त्री। देखिए लाल बहादुर शास्त्री के समय में ना, वर्ष 1965 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है। कब? 1965 में हुआ था। 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान के बीच ना ताशकंद में ही क्या हुआ था, समझौता हुआ था, ठीक है। और एक ध्यान रखेंगे, 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर? तो ताशकंद में ही। आप समझ पाए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए क्वेश्चन। नंबर 34 जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम इस समय से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, बिहार, बंगाल और केरल जो है आपका ये अवरोही क्रम में बिल्कुल सही दिया हुआ है। नंबर 35 आमेर महल कहाँ पर स्थित है बताइए? ऑप्शन ए हो जाएगा, आमेर महल जो है ये जयपुर में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए नंबर 36 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, कह रहा है ना बाघ संरक्षित स्थल नहीं है, तो ये सुल्तानपुर नहीं है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नंबर 36 के बाद नंबर 37 अस्थियां किसमें वालित होती है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर, पक्षियों में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कहने का मतलब है पक्षियों में जो ना अस्थियाँ मतलब खोखली रूप में होती है, ठीक है, इसीलिए आपको वालित यहाँ पर दिया हुआ है। नंबर 38 है भारत पर हूनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, स्कंद गुप्त के समय में हुआ था, और स्कंद गुप्त ने हून को ना बहुत बुरी तरीके से हरा दिया था, ठीक है। अगर पूछे कि स्कंद गुप्त को मतलब गुप्त वंश के किस तरह के शासक में रखा जाता है, तो ध्यान रखेंगे कि स्कंद गुप्त को अंतिम महान गुप्त शासक माना जाता है। नंबर 39 वह प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर आपका ना डी राइट आंसर हो जाएगा, जिम कार्बेट नेशनल पार्क। इसकी जो है ना निर्माण जो है ना वर्ष 1936 में किया गया था, ठीक है, ध्यान रखें कब, 1936 में। कहां पर अगर पूछे है तो उत्तराखंड में है, यूके लिखा जा रहा है, उत्तराखंड में है, आपको ये ध्यान रखना है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय जो पार्क है 1957 से ये ना बाघ अभयारण्य में बदल गया है। कौन सा? जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो है ना 1957 ईस्वी से ना ये किस चीज़ के लिए है, तो बाघ अभयारण्य के रूप में ये बन चुका है। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या रहा था? तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए डी, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन संग्रह करना, यानी कि महमूद गजनवी जो है वो भारत आने का उसका पर्पज़ क्या था, तो बस उसे धन से मतलब था। निम्नलिखित में से तजाकिस्तान की राजधानी बताइए कौन सी है? 41 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दुशांबे है। कहाँ की? तजाकिस्तान की राजधानी, ठीक है। देखिए जैसे आपका है ना उज्बेकिस्तान, तो उज्बेकिस्तान का जो ऑप्शन नंबर सी है ना ताशकंद, ये उज्बेकिस्तान की है, ठीक है, ये देख लीजिए आप, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान की राजधानी मतलब ये जो है ताशकंद हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका जैसे
तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है, तो हो सकता है तुर्कमेनिस्तान भी पूछ ले, तो अशगाबाद नाम ध्यान रखिएगा तुर्कमेनिस्तान का। बताना है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, नंबर 42 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध जो कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इस युद्ध में ना गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया था। अंग्रेजों के द्वारा सर्वप्रथम कहवा यानी कि कॉफी बागान लगाए गए थे, ऑप्शन ए चिकमंगलूर जनपद में, ठीक है, और ये पूछे अगर कहाँ है तो कर्नाटक में है, ये ध्यान रखिएगा। नंबर 44, निम्न में से कौन यूनेस्को धरोहर स्थान है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, केवलादेव देव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये क्या है, यूनेस्को में ये शामिल किया जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष यानी कि स्पीकर थे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जेवी मावलंकर साहब लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। किस राज्य सरकार ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना को शुरू कर दिया, तो ऑप्शन नंबर ए ओडिशा सरकार ने। बिहार के किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 47 का सी हो जाएगा, कोशी नदी पर। नंबर 48 बताना है कि किस भारतीय बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए पहली वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा शुरू किया है, तो 48 का जो है ना आपका ऑप्शन नंबर ना सी हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा शुरू किया गया है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर, क्योंकि देखिए डेविड कार्ल, गुइडो इम्बेस और जोशुआ एग्रेंस्ट जो है, इन तीनों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में संयुक्त रूप से 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। भारत सरकार ने किस जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनंतपुर जो कि आंध्र प्रदेश का एक क्या है जिला है। बताना है कि एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हवा की गति को आप एनीमोमीटर से मापते हैं। आँख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब समानुपाती होता है, 52 का ऑप्शन नंबर डी, प्रतिबिंब का आकार या वस्तु का आकार जो है ये मतलब है वस्तु का आकार ये कहीं क्या आपका सही हो जाएगा, ठीक है, नंबर 52 का ऑप्शन नंबर डी है। अनुदैर्ध्य दैर्ध्य तरंग जो है संरचना में विरलन के स्थानों पर मध्यम का घनत्व व दाब सामान्य अवस्था की तुलना में बताइए कैसा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी कैसा होता है, कम होता है। लाल और हरा रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, लाल और हरा को आप मिलाएंगे तो पीला बनेगा, लाल हरा और नीला ये तीनों प्राथमिक रंग होते हैं, ठीक है, पीला मैजेंटा और पीकॉक नीला को आप द्वितीय रंग कहते हैं, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध होता है किस तरह का, तो ऑप्शन नंबर बी सहसंयोजी आबंध होता है। नंबर 56 है, एक गेंद को निर्वात में 49 मीटर पर सेकेंड के चाल से ऊपर फेंका जाता है, उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए उस गेंद के द्वारा लिया गया समय कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ना सॉल्व करेंगे आप इसे तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, टोटल 5 सेकेंड का टाइम लगेगा। परम सूम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक की चालकता होती है कैसी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखेंगे चालकता कैसा तो शून्य होता है। नंबर 58 है, कैथोड किरणें हैं बताइए इन सब में से क्या, ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनों की धारा होती है कैथोड किरणें। नंबर 59 देखिए, मानव शरीर में कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग जो है एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए ग्रसनी में करते हैं, ठीक है, मानव शरीर में ग्रसनी में जो है ना पाचन और श्वसन मार्ग एक दूसरे को कहिए कि अतिक्रमित करता है। नंबर 60 है, लोह चुंबकीय होता है किस ताप पर, ऑप्शन नंबर डी 770 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर, ध्यान रखिएगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। नंबर 61 है, किसमें एल्युमिनियम नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ना 61 का आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, फ्लूओ रसपार में क्या होता है एल्युमिनियम नहीं होता है, बाद बाकी डायोलाइट फेल्डस्पार और माइका में होता है, कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग होता है कैसे, तो ऑप्शन नंबर सी वृक्क के प्रतिस्थापन में होता है, किस चीज़ का कृत्रिम डायलिसिस होता है इसका यूज किया जाता है, मनुष्य और जो अन्य स्तनधारी मतलब कहिए ना
कि जो मतलब मुख्य उत्सर्जी अंग जो पूछे तो एक जोड़ा वो वृक्क होता है, ध्यान रखेंगे वृक्क के जो बाहरी वाला भाग होता है, पार्ट होता है ना, उसे अगर पूछे कि क्या कहा जाता है या पूछा जाता है तो कॉर्टेक्स नाम आपको ध्यान रखना है। नंबर 63, सूर्य उगते और डूबते समय लाल क्यों दिखाई पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर 63 का होगा। देखिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है, सूर्य उगते समय और डूबते समय लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम करता है, इसी कारण से क्या होता है वो लाल रंग का दिखाई पड़ता है, ठीक है। और एक बात समझ लीजिए, अगर पूछे कि किस किस रंग का विक्षेपण जो है सबसे ज़्यादा होता है तो आपको बैंगनी रंग ध्यान रखना है, ठीक है, बैंगनी रंग का। एक मतलब बताना है कि ध्वनि तरंगे एक स्थान से अन्य स्थान तक किसी राशि यानी कि एक्स का स्थानांतरण करती है, राशि एक्स के बारे में ये बताना है कि ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये क्या होता है, ऊर्जा हो जाएगा। नंबर 65 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 65 का बी राइट आंसर, यकृत होता है। अगर पूछे कि इसका वेट कितना होता है तो 1.5 से लेकर 2 kg के बीच में होता है, ध्यान रखेंगे 1.5 से 2 kg। बताना है कि आमाशय में भोजन के पश्चात क्या मिलता है, नंबर 66 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जठर रस, ठीक है। देखिए आमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है, पूछेगा कितने देर तक, तो लगभग 4 घंटे तक रहता है। नेक्स्ट है, मांस अंडा मछली का यकृत तथा दूध निम्न में से किसका स्रोत होता है, नंबर 67 का क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन डी का ये अच्छा स्रोत होता है। रक्त समूह बताना है कि ब्लड ओ जो होता है इसको सार्वत्रिक रक्तदाता कहा जाता है, इनमें से निम्न में से कौन सा एंटीजन पाया जाता है, नंबर 68 का। देखिए एक बात आपको पता होना चाहिए कि रक्त समूह ब्लड ग्रुप ओ को क्या कहा जाता है, सार्वत्रिक रक्तदाता कहते हैं, बट एक बात समझ लीजिए कि एंटीजन इसमें नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। अब समझिए एंटीजन क्या होता है, देखिए मनुष्य के रक्त में ना अलग अलग तरह का जो मुख्य मतलब जो कारण मतलब वजह से जो लाल रक्त कण पाया जाता है ना, उसमें ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है, और ग्लाइकोप्रोटीन होने की इसकी वजह से क्या कहा जाता है, उसे एंटीजन कहते हैं। एंटीजन दो प्रकार का होता है, एक होगा आपका ए एंटीजन, एक होता है आपका एंटीजन बी, ठीक है। देखिए ए बी ब्लड ग्रुप वाले में ना ए बी दोनों एंटीजन पाया जाता है, और ए रक्त जो ब्लड ग्रुप है उसमें ए एंटीजन बी वाले में बी पाया जाता है, ए बी वाले में ए बी पाया जाता है, बट ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता है। बताना है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, CnH2n एल्कीन का सामान्य सूत्र है। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े को पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल बताइए कैसा होगा, ऑप्शन नंबर बी अपरिवर्तित रहेगा, मतलब उतना ही वो उसका क्या होता है एरिया छेकता है, इसीलिए वैसा ही होगा। नंबर 71 है, एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है, यदि 4 सेकेंड बाद वह धरातल पर पहुँचता है तो मीनार की ऊँचाई के बारे में बताना है कि लगभग वो कितना होगा, तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा राइट आंसर, 80 मीटर होगा, ठीक है। इसे भी आपको सॉल्व करने के लिए मतलब कहिए कि 8 से 10 तारीख के बाद जो आपके लिए वीडियो आएगा उसमें ये भी आपको सॉल्व करके बताया जाएगा क्या फार्मूला होता है, किस तरीके से सॉल्व करते हैं, फिजिक्स वगैरह का जो भी फार्मूला है ना, जो भी क्वेश्चन है ना, वो सारा कुछ बताया जाएगा। और आज की क्लास में जितना एनर्जी जितना एफर्ट लगाना चाहिए मेरे द्वारा वो उतना आज नहीं लगाया जा रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा फ्रेंड्स। आप लोग भी समझ पा रहे होंगे मेरे साथ क्या मजबूरी है, तो मैनेज करिएगा। आप लोगों के लिए हमेशा कोशिश रहता है कि मिनिमम एक प्रैक्टिस सेट अभी 8 से 10 तारीख तक हर दिन आ जाए, इसलिए आज भी ये वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है, तो थोड़ा सा आपको भी मैनेज करना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे आज का तो लाइक करिएगा, पॉसिबल हो तो आप कमेंट करके भी बताइएगा, जिस वजह से कि मोटिवेशन मिले, और किसी भी कंडीशन में आपके लिए वीडियो मिनिमम एक वीडियो तो अभी आए ही, और 8 से 10 तारीख के बाद आप देख लेंगे खुद कितना वीडियो आता है। देखिए जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध बताइए कैसा होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बढ़ जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। देखिए जैसे यहाँ पे है ना कि प्रतिरोध के बारे में आपसे पूछा ना, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है
देखिए गर्म करने पर क्या होता है ना, किसी वस्तु के अणु के बीच में ना टकराव हो जाता है, जिसके वजह से कि उसका जो अनुपात में प्रतिरोध होता है ना वो बढ़ जाता है। इसे आप ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट बी होना चाहिए, बढ़ जाता है। सब्जी के रूप में खाया जाने वाला छत्रक बताइए क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, कवक होता है। ठीक है, देखिए सब्जी के रूप में खाए जाने वाला छत्रक पूछेगा तो कवक होता है। ठीक है, और आप जैसे ये समझिए कि जैसे देखिए हीरोइन है ना, ये हीरोइन अफीम पेस्ता से मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अफीम के बारे में भी पूछा जाता है। जैसे केसर है, केसर मसाला बनाने में पौधे का जो है ना वर्तिकाग्र वाला जो भाग होता है वो काम में लाया जाता है। ठीक है, आइए नंबर 74 देख लेते हैं, डीएनए की संरचना का मॉडल किसने दिया था, तो 74 का ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा नंबर डी, वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। ठीक है, डीएनए में डी ऑक्सीराइबोस शर्करा होता है। नंबर 75 विटामिन ए महत्वपूर्ण स्रोत होता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, अंकुरित अनाजों में। ध्यान रखेंगे विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत अंकुरित अनाज में पाया जाता है। विटामिन ई को आप टेकोफेरॉल के नाम से जानते हैं, और विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति सबसे कम होता है। तो अभी आपने ऑप्शन नंबर सी देखा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, विटामिन बी वन को आप थायमिन के नाम से जानते हैं, विटामिन बी टू को आप राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं, विटामिन सी स्कॉर्बिक अम्ल और विटामिन डी कैल्सिफेरॉल होता है। तो फ्रेंड्स अभी आपने 75 तक क्वेश्चन देखा सामान्य अध्ययन से, नेक्स्ट आपका 76 मैथ्स का क्वेश्चन, आपके लिए इसका भी क्लास यानी कि वीडियोस आने वाला है। अभी आपको सारा कुछ बता दिया गया, आशा करता हूँ आज का क्लास भी आपको अच्छा ही लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और भी काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट आपके बीएसएससी के लिए अपलोड हो चुका है, आप अभी से ही पर डे मिनिमम 1 से 2 सेट देखना स्टार्ट कर दीजिए एग्जामिनेशन के टाइम में, ताकि आपका तैयारी अच्छे से हो जाए। आपको पता है काफ़ी अच्छा खासा टफ होने वाला होगा एग्ज़ाम, काफ़ी सारे स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे, तो अपना तैयारी आप अच्छे से करिए, जिसका जैसा लक होगा जो जैसा मेहनत करेंगे उसका वैसा रिजल्ट आएगा। तो ऐसे ही फ्रेंड्स बने रहिएगा एबीसी एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।